जय हिंद। जो बिहार पुलिस का जो मैराथन क्लास 3 जो री एग्ज़ाम के लिए जो 7 अगस्त ले आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, जो 9th 10th लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सिलेबस न्यू सिलेबस जारी किया गया उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जो 500 MCQ के तौर पर देखेंगे, जो महामैराथन क्लास के न्यू सेट है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका आप सभी को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और PDF का लिंक भी डायरेक्ट लेवल किया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था, गोंडवाना लैंड के टूटने का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो जुरैसिक युग में हुआ, जुरैसिक युग में, और इस युग में डायनासोर का भी हुआ। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश का इटवा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो उत्तर प्रदेश के इटवा नगर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन सी होगा, जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और देख लेते हैं, जो आगरा मथुरा यह यमुना नदी के तट पर है, एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट। और गंगा नदी के देख लेते हैं, गंगा से संबंधित प्रश्न पूछता है किस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बनारसी, कानपुर, फतेहपुर और कन्नौज, यह 4 नगर जो आपको गंगा से संबंधित है, बनारसी, कानपुर, फतेहपुर और कन्नौज, और पटना भी जो बिहार की राजधानी है यह भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं गोमती के जो लखनऊ और जौनपुर यूपी के राजधानी, जो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, और जैनपुर राप्ती नदी जो गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में मैग्रो वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 0.15% है। 2021 के जनगणना के अनुसार इसका कुल क्षेत्रफल जो 4,992 किलोमीटर है, जो परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 0.15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रामणिक क्रांति किससे संबंध है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो भिंडी उत्पादन से है। भिंडी उत्पादन क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जो यह बर्फ में निर्मित होता है, सही है। इस बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन और बर्फ में पाया जाता है, यह भी सही है। इसकी खोज 1992 में किया गया था, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी कथन जो क्यूपर बेल्ट से संबंधित कथन सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का जन्म स्थल माना जाता है, कपास का जन्म स्थल किस देश को माना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मिस्र को जाना जाता है। मिस्र को कपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उपजाऊ होता है, जो मिस्र क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर जो फैसलाबाद को कहा जाता है, तो आप कमेंट में कीजिएगा। तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? जैसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर को फैसलाबाद को कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमरी क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, सेमरी क्रम की चट्टान किस में? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो रोहतास जिला में पाया जाता है। किस नदी द्वारा स्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? किस नदी के द्वारा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कोसी नदी के द्वारा किया जाता है, जो कोसी की लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी उद्गम स्थल गोसाई धाम नेपाल से होता है, गोसाई धाम नेपाल में इस कोसी नदी का उद्गम स्थल है, जो 260 किलोमीटर है। डिकी बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों को असेंबली का सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो सर हेस्टिंग इस्मा के द्वारा। यही पूछ देगा इस योजना डिकी बर्ड प्लान, तो डिकी बर्ड प्लान का लॉर्ड माउंटबेटन ने किए थे। यही डिकी बर्ड प्लान पूछेगा तो सर हेस्टिंग इस्मा के, यहीं डिकी बर्ड प्लान पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद सदन तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले वाले चुनाव क्या कहलाता है? तो आपको ऑप्शन बी होगा, जो मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है, जो मध्य समय में होता हो। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामला में संरक्षण प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी, जो भारत में
जो मूल अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति के धार्मिक मामलों का संरक्षण जो अनुच्छेद भाग तीन में 25-28 के बीच देता है, 25-28 अनुच्छेद के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड 6 लाख रुपए से 8 लाख बढ़ा कर दिया गया, तो आपका ऑप्शन ये होगा जो सितंबर 2017 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है, कौन सा, जो पर्यावरण संरक्षण समान तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना नहीं, यह अनुच्छेद 48 का क देता है। राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारक स्थान स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना, तो आपका ऑप्शन ये सही है जो अनुच्छेद 49 देता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि है किस अनुच्छेद के तहत, जो अनुच्छेद 51 के तहत, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि है जो अनुच्छेद 51 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने के पर जमानत राशि जब्त कर दिया गया जाता है, जो आपका ऑप्शन सी होगा जो 1/6 भाग, आपका जमानत राशि कितना होता है, जमानत राशि 15,000 रुपये होता है, जो 1/6 भाग आपका वोट नहीं आए तो जमानत राशि जब्त किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है, तो आपका अनुच्छेद 304 के तहत। डेबर आयोग का संबंध किससे है, देवर आयोग का विशेष रूप से कमजोर जनजाति का समूह है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति का समूह है। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में, तो आपका ऑप्शन ये होगा जो 243 के क में किया गया है, 243 के क में, जो पंचायती राज्य जो अनुच्छेद 243 के अण तक व्याख्या किया गया है, जिसमें शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 243 के क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो असत्य मिलान का चयन करता है, जो इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 में जो सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने की गठित किया गया था, सही कथन दिया गया है। JS वर्मा समिति जो चुनाव कानून में संशोधन के लिए किया गया था, यह आपका गलत है। JS वर्मा समिति जो अपराधियों के संशोधन के लिए किया गया था, आपका ऑप्शन बी गलत है। तनखा समिति कोर समिति का चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों में जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए किया जाता था तनखा समिति को। दिनेश गोस्वामी समिति जो चुनाव सुधार के लिए किया गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन बी गलत है। निम्न आकृति में त्रिभुज को स्वस्थ, आयत को वृद्धि और वृत्त को पुरुष को प्रतिनिधित्व करता है, तो आकृति में उस क्षेत्र को बताइए जिसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वस्थ का पर वृद्धि नहीं है, पर वृद्धि नहीं है, वृद्धि आपका आयत है, आयत नहीं है, तो इसमें त्रिभुज और वृत्त है आपका दो। तो नेक्स्ट एक आपका ऑप्शन देखते हैं जो ऑप्शन बी होगा जो दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग PDF डाउनलोड कर बना सकते हैं, तो ऑप्शन बता देते हैं आपका ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन 22 का ऑप्शन बी होगा, 23 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चार विकल्पों में विषम शब्द कौन सा है, यहाँ कहाँ वहाँ यहाँ पास, इसमें पास है, बाकी यह सभी तीनों जो प्रश्नवाचक शब्द है। भारत में साख निर्धारण से संबंधित क्रीमी की स्थापना कब किया गया था, तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 1987 में किया गया था, 1987 में। GST परिषद में केंद्र एवं राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका ऑप्शन 33 होगा, केंद्र एवं राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 33 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य कोष घाट की अवधारणा की किस समिति ने प्रस्तुत किया था, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 24 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया था, 24 अगस्त 2021 को। ऑपरेशन फ्लड एवं श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना
में प्रारंभ किया गया था। तो आपका ऑप्शन ये होगा जो चौथी पंचवर्षीय योजना को, जो 1970 में लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। लोक लेखा अनुदान प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 266 के क्लाउज 2 में किया गया है, 266 के क्लाउज 2 में। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में, जो ऑस्ट्रेलिया में 1982 में। वहीं भारत में देखते हैं तो भारत में 2005 से 2006 के बीच किया गया था। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए का कितने बार अवमूलन किया गया है, जो 3 बार अवमूलन किया गया है। फर्स्ट बार जो 29 सितंबर 1949 को, सेकेंड बार जो 5 जून 1966 को, और तीसरी बार जो 3 जुलाई 1991 में किया गया था। 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर देखिए, इसका 36 होगा। नेक्स्ट 34 का ऑप्शन ए होगा, 35 का ऑप्शन बी होगा, 36 का आपका 25.6, 37 का आपका ऑप्शन बी डी होगा जो 36 होगा, 38 का ऑप्शन ए सी होगा, 39 का आपका ऑप्शन बी होगा जो बी ऑप्शन जो 34 और 40 होगा, 40 का ऑप्शन देखते हैं, 40 का आपका ऑप्शन -9 होगा, -9 आपका ऑप्शन सी। आइए साइंस का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है, इनमें कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं दिया गया है, जो आइए देखते हैं। जो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना है, यह आवेग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो गैसों का अणु भार क्रमशः M1 एवं M2 तथा उनके ध्वनि की चाल क्रमशः V1 तथा V2 हो, तो सही संबंध कौन सा है, जो आपका ऑप्शन बी सही दिया गया है, V1/V2 बराबर √M2/M1। मास उल्टा हो जाता है, जो अंडर रूट में हो जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, विशिष्ट ऊष्मा का सबसे अधिक मान कहाँ पर होता है, तो आपका ऑप्शन पानी में सबसे अधिक होता है, पानी में 1 होता है। वहीं एल्कोहल में 0.60 होता है, बर्फ में 0.50 होता है, तारपीन में जो 0.42 होता है। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था, किसने प्रकाश का वेग का प्राप्त किया था, जो रोमर ने, जो बृहस्पति के उपग्रहों पर प्राप्त किया गया था। विशिष्ट चालकता कोई एसआई मात्रक होता है, जो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सही है, महो प्लस ओम मीटर इनवर्स ये भी सही है, सिस्मो मीटर पर इनवर्स आपका ऑप्शन डी सही है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो एंटी मनी है, एंटी मनी। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किस पर, जो आपका ऑप्शन सी होगा जो बेरियम प्लूटोनियम साइनाइड पर। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसने सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, तो आपका ऑप्शन बी होगा जो दादा भाई नरोजी के आदेश पर किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, जो दादा भाई नरोजी, उस समय ओसराय जो लॉर्ड डफरिन ओसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी, किसने यात्रा किया था भारतीय नेता ने, तो आपका ऑप्शन लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने किए थे। किस ओसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था, तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हुआ था, जो 1865 ईस्वी में भूटान युद्ध हुआ था। बुर्जहोम एवं गुफ कराल नामक स्थान किस काल में है, तो आपका ऑप्शन नवपाषाणकालीन। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था, तो आपका ऑप्शन डी होगा जो संस्कृति भाषा में। चुलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन सी होगा जो पुनोवारियम। गजनी वंश के संस्थापक अल्पगीतिन प्रारंभ में था, जो एक तुर्क दास था। यह गजनी वंश के संस्थापक अल्पगीतिन का प्रारंभ जो 1954 से 61 के बीच हुआ था। अकबर द्वारा पराजित मालवा के अशोक
बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती का समाधि कहाँ है, जो उज्जैन, उज्जैन में है, जो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित करें, जो बिहार के व्यक्तित्व और विशेषता को सुमिलित करना है। जो महोसद कुमार, जो बौद्ध कालीन के वैद्य थे। वाच स्मृति मिश्रा, जो भाष्यकार बेरोचन, जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ऑप्शन ए का बी होगा, बी का ए होगा और सी का सी, आपका ऑप्शन सी। प्रथमा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, जो महादेव गोविंद रानाडे या आत्माराम पंडुराम थे। इसकी स्थापना 1867 में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना जो 1867 में आत्माराम पंडुराम या महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो लिब्रे थी। यह टेले, टेले क्या है, जो भूमि कर है। तीथे, जो धार्मिक कर है। पाउंड एक मुद्रा है। नेपोलियन का पिता का क्या नाम था, नेपोलियन का पिता का नाम जो कार्ल बोनापार्ट था, कार्ल बोनापार्ट। वहीं उसकी पत्नी का नाम जोसेफाइन बोनापार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेग में होता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत। निम्न में से कौन सा एक हाइड्रोजन नहीं है, इनमें से कौन एक हाइड्रोजन नहीं है, तो आपका ऑप्शन HCl। सूची से मिलान करें, सूची जो बायल का नियम, जो भी समानुपाती 1/P, चार्ल्स का नियम जो भी समानुपाती टी है। दाब का नियम जो पी पास समानुपाती टी है, आपका ऑप्शन ए का सी होगा, आपका ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है, इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, डायस्पोर, जो इसका सूत्र होता है, जो Al2O3H2O। यही कार्नेलाइट, जो मैग्नीशियम का होता है, कार्नेलाइट जो मैग्नीशियम का, फ्लोरोस्पा जो कैल्शियम का होता है, जो एजुराइट जो कॉपर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबर सॉल्ट के एक अणु में रावा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। ग्लोबर सॉल्ट के एक अणु में रावा जल में कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 10 अणु। निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है, किसका, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। फेरस सल्फेट, इसका सूत्र देख लेते हैं, जो Fe(SO4)×7H2 होता है, इसको हारा कशिश के नाम से भी जाना जाता है, हारा कशिश के नाम से। हाइलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, हाइलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, जो लवणीय उत्पाद, लवण उत्पाद होता है। एल्काइन श्रेणी के प्रथम सदस्य कौन सा है, एल्काइन सदस्य के प्रथम सदस्य जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन होता है। इसकी खोज जो यूएसए के बिलियंस ने खोजे थे एल्काइन को। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन सी होगा, जो शरीर के दर्द एवं बुखार के लिए, जो एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग जो बुखार या दर्द में लेते हैं। मीराबाई किस काल की कवित्री है, मीराबाई किस काल की कवित्री है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो भक्ति काल की है, भक्ति काल। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन हरिशंकर परसाई। अंत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, जो अति उपसर्ग जोड़ा गया है। अद्भुत शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, अद्भुत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो भयानक नहीं है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा, अस्थूल शब्द है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा,
जो आपका ऑप्शन सी या और। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करें, इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, जो ऑप्शन डी होगा, जो नारायण नहीं नारायण होगा, आपका ऑप्शन डी। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता हूँ, इसे वाक्य का दोष क्या है, जो अवंती दोष है। रोड आइसलैंड रेड क्या है, जो रोड आइसलैंड रोड क्या है, जो एक मुर्गी है, एक प्रकार के मुर्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य में अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक का होता है, जीव द्रव्य में जो 81:19 होता है, जो 80% जल मात्रा पाई जाती है। 24 जोड़ी गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, 24 जोड़ी गुणसूत्र किसमें पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो चिंपांजे में। मानुष में जो 23 जोड़ी, घोड़े में 24, बंदर में 21 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को जो कोटिलपोल्स कहा जाता है। केचुआ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, केचुआ के संबंध में असत्य जो इनके 4 जोड़ी हृदय होता है सही दिया गया है। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, यह भी सही दिया गया है। इनमें 1 नेत्र होता है, आपका ऑप्शन सी गलत है, इसमें 1 भी नेत्र नहीं होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां जो स्टेपीडियस है, आपका ऑप्शन डी। मंड को घुलनशील सर्क में परिवर्तन करता है, मंड को घुलनशील सर्का में परिवर्तन करता है कौन सा, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एमाइलाइज। ब्रिक में बनाने वाले पत्थरी बना होता है, ब्रिक में बनने वाली पत्थरी बना होता है किसमें, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो कैल्शियम ऑक्जिलेट में, जो सूत्र होता है CaC2O4। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हैदराबाद में है। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कैराटोसिस। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, 1 ग्राम वसा में ऊर्जा कितना होता है, जो 9.3 किलो कैलोरी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 7%। सभी वर्गों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 2025। नॉर्मल बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो स्वामित्व नायक को। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का कहां मनाया गया है, जो इंदौर मध्य प्रदेश में। 1 पंचायत में 1 खेल मैदान योजना प्रारंभ कौन सा राज्य किया है, तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो केरल राज्य किया है। जय हिंद जय भारत। इतना टाइम वेस्ट किया, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे, जो कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल थे, जिसका ट्रिक है काल। काल से आपका क्रिप्स होगा, ए से अलेक्जेंडर होगा और एल से लॉरेंस होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा, जो क्लीमेंट इटली नहीं था, बाकी सब यह तीनों लोग कैबिनेट मिशन में शामिल थे। जो ये क्लीमेंट इटली थे, यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ने कार्टा को कब जारी किया गया था, अधिकार के घोषणा पत्र मैग्ने कार्टा को कब जारी किया गया था, तो 2015 में जारी किया गया था, 1215 ईस्वी में जारी किया गया था। यह इंग्लैंड के किंग जॉन ने प्रथम लिखित पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 के क्लाउज ख में सहायक सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो सहकारी समिति को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय में
से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त किया जाता है? जो अनुच्छेद 143 के तहत। यही देखते हैं अनुच्छेद 60 में जो शपथ ग्रहण किया जाता है, अनुच्छेद 72 के द्वारा क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन होगा जो 1990 में किया गया था, 1990 में जो कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना किया गया था। वहीं 1986 में देखते हैं रावी व्यास जल विवाद के अधिकरण किया गया था। 2004 में जो कृष्णा जल विवाद 2 को समझौता किया गया था। वहीं 1959 में कृष्णा जल विवाद 1 को समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिया गया है किस अधिनियम से? जो भारत शासन अधिनियम 1945 ले लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1945 ले। वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज्य संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है? तो बिहार के साथ साथ आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त सभी राज्यों में जो दिया गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल में, सॉरी उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नाटो का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो आपका ऑप्शन सी होगा, 2013 से चुनाव आयोग का वर्ष का प्रारंभ किया था। दसवीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 द्वारा जोड़ा गया था, जो आपका ऑप्शन बी होगा, दल परिवर्तन विरोधी कानून को जो जोड़ा गया था, दल परिवर्तन विरोधी कानून को जोड़ा गया था। वहीं पर भू सुधार कानून को जो 47वें संविधान संशोधन 1984 में जोड़ा गया था। मैथिली और संथाली भाषा को जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2003 में चार भाषा जोड़ी गई थी, बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी, चार भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं और इसमें से कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है? जो अनुच्छेद तीन के तहत हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द का चयन करें। जो गरीबों में यह कौन सी है? तो यह संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। यहीं पर क्रिया का देख लेते हैं, क्रिया का क्या होता है? जो सर्वनाम देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, कौन, उसे, हम आदि, यह सभी सर्वनाम होता है। यहीं पर विश्लेषण देख लेते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विश्लेषण कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विश्लेषण कहते हैं, जैसे काला, उजला, मोटा, पतला, लंबा इत्यादि, यह सभी विश्लेषण का उदाहरण है। यहीं पर आपका क्रिया को देख लेते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, रोना, सोना, यह सभी क्रिया कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियति का परिवाची शब्द क्या है? नियति का परिवाची शब्द आपका ऑप्शन बी होगा, जो भाग्य है, भाग्य जो नियति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? जो अवरोह होगा, आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? जो अवरोह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अन्याथी शब्द में कौन युग्म सही नहीं है, इनमें से कौन युग्म सही सुमिलित नहीं किया गया है? तो आइए देखते हैं, जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो भाव का संदेश रहस्य नहीं होता है, भाव का आपका संसार और जन्म क्षेत्र होता है। यह पुष्कर देख लेते हैं, तालाब और कमल, रसिम जो किरण डोरी, माधो विष्णु, बसंत और ऋतु से संबंधित है, जबकि भाव संदेह और रहस्य से नहीं, इसका संसार और जन्म क्षेत्र से है। आपका ऑप्शन डी होगा। निस्पृह का अर्थ क्या होता है? जो इच्छा से रहित हो। निस्पृह का आपका ऑप्शन बी होगा, जो इच्छा से रहित हो, जो स्पर्श रहित हो,
अस्पृश्य, जो मृत्यु रहित हो, अमर, जो आँखों से रहित हो, अप्रत्यक्ष, बिना पढ़ा हुआ अंश, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो अपठित होगा, अपठित, बिना पढ़ा हुआ, बिना पढ़े हुए लोग को अपठित कहा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो श्रृंखला। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना का मुहावरा क्या होगा? थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर भरना का अर्थ होता है, जो थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह देना। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो उसे परिवर्तनीय किरण घूम जाता है, जो 2θ कोण से दोगुना हो जाता है। ट्यूबलाइट एवं ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे दो तंतुओं पर परत होती है, किसका परत होती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो बेरियम ऑक्साइड की परत होती है। ट्यूबलाइट में दो परतों पर जो दो खिल लगती है तंतु का, वह बेरियम ऑक्साइड की लगी होती है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण जो 17 डिग्री का होता है, 17 डिग्री का कोण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु से संबंधित में से सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन कौन सा दिया गया है? तो आइए देखते हैं। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती है, प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती है, होती है, यह प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। आपका ऊपर दिया गया है, इसका प्रयोग आघात वर्धनीय होता है, सही है, यह विद्युत का सुचालक होता है, सही है, आपका ऑप्शन सी होगा। गति ऊर्जा एवं संवेग में संबंध क्या है? गति ऊर्जा और संवेग में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका पोटेंशियल एनर्जी बाय 2m होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो डॉपलर प्रभाव क्या है? तो यह आपका ऑप्शन ए होगा, जो आवृत्ति में बदली हुई घटना को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले की चाय पीना आसान है, क्यों? जो धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि चीनी मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है, आपका ऑप्शन डी होगा। यात्रा शुरू होते समय कार का आइडियोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता था और यात्रा समाप्ति के बाद 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा 8 घंटा लगता है तो कार की औसत चाल क्या होगी? जो इसमें ले 2400 में ले 2000 घटाया जाएगा, जो 400 बचेगा, 400 में 8 से भाग दीजिएगा, औसत चाल निकल जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई थी? 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई थी? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो बारा महल में, जो मद्रास में है, वहाँ पर लागू किया गया था। जो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने ये जन्मदाता थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता जो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जो ने 1972 में भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब किया गया था? ट्राइफेड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? जो 1987 में किया गया था। जो निजी व्यापार में घोटाला को दिलवाना, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन विज्ञान कहा है? किस पुस्तक में धन विज्ञान कहा है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी, प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जो आपको 1885 में रिसद में किया गया था, जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में था। वहीं में कागज का उद्योग जो 1812 में सिरामपुर में किया गया था, जो वेस्ट बंगाल में ये भी है, जो कागज का 1812 में सिरामपुर में किया गया था। 1818 पोस्ट ग्लास्टर में जो सूती वस्त्र के लिए जो कर्नाटक में, वहीं 1874 में कुल्टी में जो लौह इस्पात लगाया गया था, ये भी वेस्ट बंगाल में है। लौह इस्पात के लिए जो कुल्टी में है, जो 1874 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तब वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, वल्लभ भाई पटेल ने, जो 3 मई 1947 को किए थे, 3 मई 1947 को। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस
मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं 2 सितंबर को जो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, अक्टूबर माह के दूसरा सप्ताह शुक्रवार को जो विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है, वहीं 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया था? तो 256 किलोबिट्स प्रति सेकेंड। कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास एवं उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुभारंभ किया गया था? जो आपका 15 से 35 वर्ष के ग्रामीणों के लिए जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के शुरुआत किया गया था, आपका ऑप्शन बी, जो भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 में जारी किया गया था। तारकेया की खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो बो बेरी। प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होती है, जो H2O को जल का विखंडन देखते हैं, जो 2H प्लस आयन देगा, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु द्वारा होता है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो रिट्रोवायरस। मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? जो छोटी आंत की होती है, जो छुद्रम कहा जाता है, या छोटी आंत को। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हुगरू डी ब्रिज के द्वारा जारी किया गया था। लसिका एक तरल ऊतक है जो आंतरिक कोशिकाओं स्थानों में पाया जाता है, यह किसके सदृश होता है? तो यह प्लाज्मा के सदृश होता है। कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो एड्रेनालिन। नेत्र गोलक के नियंत्रण करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायित्व होती है? जो 6 मांसपेशियां उत्तरदायित्व होती है, 6 मांसपेशियां उत्तरदायित्व होती है। तो आइए 6 मांसपेशियां को देखते हैं। जो पहला है, जो सुपीरियर रिएक्टर, मीडियल रिएक्टर, लेटर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस, और सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप सोल्यूशन कर सकते हैं, जो पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 53 से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नील बोर के किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस सिद्धांत को लेकर? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लेकर। मनुष्य एवं पशुओं के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकार संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 7 से 7.8। वाई में आयोडीन की विलयन है, जो वाई में आयोडीन का विलयन कैसे विलयन है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो गैस लेयर ठोस में विलयन होता है। सूची में मिलान करते हैं, सूची का जो सिरुसाइट है, जो शीशा का है, कैसीट्रोल जो टीन का है, पाइरोलुसाइट जो आपका ऑप्शन मैग्नीशियम का है, वहीं पर स्टिनाबाइट जो एंटीमनी का है। तो आपका सी पहला का सी, बी डी ए आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, सी होगा, जो तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर का उत्पादन किस विधि से होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो हेसेन
क्लेयर विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही कथन नहीं दिए गए हैं? जो हाइड्रोजन एक तत्व है सही है, हाइड्रोजन एक हल्का तत्व है सही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिश्रण विस्फोटक होता है सही है, हाइड्रोजन कोई समस्थानिक नहीं होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है जो तीन समस्थानिक है प्रोटियम ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, जो तीन समस्थानिक होता है आपका ऑप्शन डी गलत है। तनु गंधक का अम्ल की जस्ते के साथ प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है जो हाइड्रोजन। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या जो 92 है, प्राकृतिक रूपों से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या जो 92 है। केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बाटने पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो कार्नियल्स डी हाउटमैन, जो होना 1596 में। किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट अलग कर दिया गया था? किस आयोग के आधार पर जो रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? जो एक वर्थ आयोग के सिफारिश पर किया गया था जो 1924 से 25 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? जो आपका कैपबेल था, दमनकर्ता दबाने वाला कैपबेल था, जो फैजाबाद से नृत्य किया था मौलवी अहमद उल्ला ने। अब फैजाबाद से जो नृत्य की घटना का विरोध का जो नृत्य कर रहे थे मौलवी अहमद उल्ला ने कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारकों ने जो 1826 के ज्यूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन आलमगिरीपुर है। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली के क्रम अवस्थित है, तो आपका ऑप्शन उपसंपदा श्रमण और भिक्षुक है, आपका ऑप्शन सी। बाला चरित्र के रचनाकार कौन है? बलाल चरित्र के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन आनंद भट्ट है। शेर शाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में जरीबान तथा मुहासिलाना नामक कर भू राजस्व क्रमशः कितना प्रतिशत हुआ करता था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 2.5% तथा 5% हुआ करता था। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुआ था? जो बिहार में हुआ था। बिहार संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 36 सदस्य। बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? जो 36। इटली की समस्याओं को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो काउंटन काबूर ने। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है किसको? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो फ्रेडरिक लिस्ट को। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिमाणों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है? तो आपका ऑप्शन उत्तर की ओर सरका हुआ है, उत्तर की ओर, आपका ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य में बोडो इलायची नामक तूफान चलते हैं? बोडो इलायची तूफान किस राज्य में चलता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो असम राज्य में। किस मृदा प्रतिच्छेदिका स्तर के जमनी स्तर पर हुमरोस जैविक सामग्री के प्रचुरता आदि पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो स्तर ओ। हथनी कुंड परियोजना संबंध है, हथनी कुंड परियोजना किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो यमुना नदी जल विवाद से संबंधित है। हथनी कुंड परियोजना का संबंध जो यमुना नदी जल विवाद से है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, डी होगा, जो 15% है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ है? जो 15%। अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है?
तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो लैटिन अमेरिका में किया जाता है, लैटिन अमेरिका में जो कहा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कथनों का असत्य है, इनमें से कौन सा असत्य दिया गया है? जो ब्रिटिश कोबलिन ब्रिटिश को कोलबी या जो ब्रिटेन ना कनाडा के, आपका ऑप्शन ये ही सही गलत दिया गया है। बसरा कीकुल और म्यूसुला जो इराक का है, बास स्टेड एवं पोर्ट हेडलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का है, अलम्बा और अरकासा और कोलोडोरा जो अमेरिका का है, यह सही है, जबकि ब्रिटिश कोलबिया जो ब्रिटेन के नहीं कनाडा का है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी होती है? सबसे गर्मी जो गया जिला में, आपका ऑप्शन है ठंडा गर्म दोनों गया जिला है बिहार का। बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? जो बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई परियोजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, तो आपका ऑप्शन सी हो बी होगा 1874 में शुरू किया गया था, 1874 में। लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सिंपल एंड फॉर्मल। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवेन बिलो, गुड इज ओमनिपोटेंट का ऑप्शन क्या होगा, तो आपका ऑप्शन ईश्वर सर्वशक्तिमान है। 85 का ऑप्शन सी होगा, 86 का आपका ऑप्शन तो लॉस होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, भारत का पहला केंद्रीय वित्तीय कोष गाय अभयारण्य कहाँ बनाया गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, उत्तर प्रदेश। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ था? तो भारत इंडोनेशिया के बीच। यहीं भारत जापान जो वीर गाजिया, भारत ब्रिटेन कोकर, फ्रांस जो वरुण, तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया, भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में लगाया गया था। कर सकते हैं, वहाँ पर आपका यह पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जो सेट नंबर 3 है, जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है उस सिलेबस पर आधारित है मैट्रिक लेवल पर। आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, यह दूध पीने से मना कर दिए थे। यह क्रांति काकोरी क्रांति जो 19 दिसंबर 1927 को हुआ था, जो 10 क्रांतिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हावड़ा सिपुरा संयंत्र केस की घटना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 1910 में हुआ था, 1910 में। भारत के किस वायसराय ने आर्थिक केंद्रीय विकेंद्रण की नीति आरंभ किया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो का शासनकाल जो 1869 से 72 की ईस्वी में हुआ था, और भारत में प्रथम बार जनगणना पूछा जाता है किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, जो 1872 में ही प्रथम जनगणना हुआ था, जो उस समय वायसराय लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार जनगणना शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वह कौन था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो फैजपुर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। यह 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। बोस्टन टी पार्टी क्या थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो चाय के समुद्र में फेंकने जाने की घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है, ये अमेरिकी क्रांति है। यह 16 दिसंबर 1973 को घटना घटी थी, बोस्टन टी पार्टी, जो 16 दिसंबर 1973 की यह घटना घटी थी। फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो आपका ऑप्शन डी बी होगा, मॉन्टेस्क्यू। उदयनी
जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी वह था उदयनी, जो पटना जो है उसी में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया हुआ कौन था, वह एक जैन, ऑप्शन बी होगा, जो एक जैन माता नुआई था, ऑप्शन बी। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, गुप्त काल में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो महादंड नायक कहा जाता था। मराठा प्रशासन में मालतनदार का अर्थ होता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो बड़े प्रांतों के सूबेदार को कहा जाता था, बड़े प्रांतों को सूबेदार को जो मामलदार कहा जाता था। संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे, संस्कृत के विद्वान भारवी रहते थे कहाँ पर, तो आपका ऑप्शन ए होगा, सी होगा, जो सी विष्णु के राज्यसभा में, सिंह विष्णु के राज्यसभा में रहा करते थे। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था, तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो चार्ल्स इग्लिट ने बिहार को बंगाल से अलग करने के ज्ञापन प्रदान किया था 1894 में। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन में मुद्दा उठाया था, तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो मुस्लिम लीग ने विभाजन का मुद्दा उठाया था। किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, 2015 से, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर जो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया था, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 36वां संविधान संशोधन कर जो भारत का राज्य बनाया गया था, जो 22वां राज्य बनाया गया था। यही 35वां संविधान संशोधन 1974 में यह भारत के एक राज्य के समीक्ष राज्य अपनी राय के लिए रखा गया था, और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया है। नौकरियों में 27% के आरक्षण पिछड़े वर्ग हेतु की व्यवस्था किस सरकार द्वारा लागू किया गया था, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो BPC। भाषीय अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अनुच्छेद 350 के क्लाउज क के तहत या क्लाउज एक के तहत। वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मुख्य प्रतिद्वंदी थे, इनका विरोधी कौन था, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो लक्ष्मी सहगल थे। किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का अस्थायी दौर शुरू हुआ था, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 1996 से। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, जो 3 वर्ष हो सकती है, 3 वर्ष। राज्य वित्तीय आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 243 के क्लाउज आई में किया गया है। VVPAT का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव किया गया था, नागालैंड में, जो 2013 में किया गया था, नागालैंड में जो प्रथम बार 2013 में किया गया था। अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है, 315 के तहत क्या वर्णित है, जो संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का है। बहुरूपी पारदर्शी में दो समतल दर्पणों के बीच का कोण क्या होता है, जो 60 डिग्री का कोण होता है, 60 डिग्री। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC में, AC धारा में ट्रांसफर का प्रयुक्त होता है। जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटर की गति के कारण होता है, उनमें होता है P प्रकार के अर्धचालक, तो आपका ऑप्शन
सी होगा। घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक या बॉल बायरिंग लगाया जाता है जो बदल देता है। स्नेहक ग्रीस लगाया जाता है, स्नेहक ग्रीस मुलायम पदार्थ और बॉल बायरिंग के द्वारा लगाया जाता है तो वह बदला जाता है किस में, तो आपका ऑप्शन बी होगा जो सर्पी घर्षण या लोटनी घर्षण में, सर्पी और लोटनी बायरिंग के द्वारा बार बार लोट कर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होता है जो 45 डिग्री के डेसिबल, 45 डिग्री डेसिबल, 45 डेसिबल। किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा जो हरा रंग उत्सर्जित करेगा। आरीस्कोप ऑटोस्कोप का उपयोग किया जाता है, आरीस्कोप और ऑटोस्कोप का उपयोग किस में किया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा जो कान के आंतरिक भाग के निरीक्षेपण के लिए किया जाता है, कान के अंदर के भाग को देखने के लिए आरीस्कोप या ऑटोस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है जो स्टेशन। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, इनमें कौन सा यौगिक शब्द है चारों में लेखक पुस्तक विद्यालय योग में, तो आपका ऑप्शन सी होगा जो विद्यालय है यह यौगिक शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इनमें से कौन सा देव छात्र नक्षत्र प्रयाग, तो आपका ऑप्शन डी होगा। दस्तत्व में प्रत्यय है जो त्वा प्रत्यय लगाया है, जो त्वा बादल का परिवाची शब्द होगा, इनमें से बादल का परिवाची शब्द कौन सा है, जो आपका ऑप्शन डी होगा जो पायोद। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा, अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा, तो इति होता है, अर्थ का इति जो विलोम उल्टा होता है। आचार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, आचार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, जो अचरज होगा, अचरज आपका ऑप्शन बी। सादा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, सादा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, जो सहायता, आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ते हैं। रूपल हिमनंद स्थित है, रूपल हिमनंद स्थित है जो बृहद हिमालय में। वडरूर पक्षी अभयारण्य अवस्थित है किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। हीराकुंड एवं रेणुकूट में दो नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई है, तो आपका ऑप्शन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। हीराकुंड रेणुकूट में दो नवीन संयंत्रों की स्थापना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1998 में किया गया था, वर्ष 1998 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है, तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 4.28 प्रकाश वर्ष है। किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहन प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्र एवं संघन से होती है, तो आपका ऑप्शन डी होगा जो मध्य मंडल में होता है, यह घटना मध्य मंडल में होता है। जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है, जैतून का तेल का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो भूमध्य सागरीय देशों में किया जाता है, भूमध्य सागरीय देशों में जो जैतून का तेल का निर्माण किया जाता है। सूची को मिलान करता है एशियाई महाद्वीपों के बिंदु देखेंगे, तो आइए देखते हैं आपका उत्तरी बिंदु जो चिलुविस्की अंतरिप है, दक्षिणी बिंदु बाबा अंतरिप है, पूर्वी बिंदु जो तंजुई पीआई है, और पश्चिमी बिंदु डाइजवेन अंतर्राष्ट्रीय है, जो आपका ऑप्शन सी होगा। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो मुंगेर है जो 876 है, 1000 पुरुष पर 876 है। वहीं अधिकतम पूछा जाएगा बिहार का अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला जो गोपालगंज है, 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, जो दो भागों में विभक्त किया जाता है। इक्थोलॉजी का संबंध है, इक्थोलॉजी का संबंध किससे है, जो मछली से है, मछलियों का अध्ययन को इक्थोलॉजी कहा जाता है।
जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो प्लेटाय कैंसर। मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जो मैग्नीज के कारण। मानव शरीर में वसा का भंडार कहाँ होता है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो एडीपोस ऊतक में। जापानी एंसीफेलाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से का संक्रमित करता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मस्तिष्क। एक व्यक्त मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? जो 300 ग्राम होता है, लगभग 300 ग्राम। निम्नलिखित में कौन सा जंतु अकशेरुकी नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सरीसृप। पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होता है? जो लाइसोसोम में होता है, लाइसोसोम। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? जो थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग होता है, नियासिन, जो पेलाग्राम, विटामिन के कारण बझापन नहीं, विटामिन ई के कारण। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं, लॉरेंस वक्र मैक्स ओ लॉरेंस का विकसित कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था, राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजना शुरुआत कब किया गया था? तो 1995 में शुरुआत किया गया था। निकी कहाँ का विश्व प्रमुख शेयर बाजार है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो जापान का है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया था? जो 2015 में। बीमा सुधार समिति का गठन किस अध्यक्षता में किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो आरएन मल्होत्रा। वाणिज्य बैंक की जननी किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है, भारतीय द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? जो अवध कमर्शियल बैंक को, जो 1881 में। वहीं पंजाब नेशनल बैंक, जो 1894 में। इलाहाबाद बैंक, जो 24 अप्रैल 1865 में। एसबीआई बैंक की स्थापना, जो 1 जुलाई 1955 में हुआ था। जो एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है सभी स्थापना दिवस, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 है। इलाहाबाद बैंक, जो 24 अप्रैल 1865 है। वहीं एसबीआई का आपसे सबसे अधिक बार पूछा गया है 1 जुलाई 1955 को। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किया समिति का प्रस्तुत किया गया था। तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं का चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो आपका 2n² होगी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अति सप्ताब्जी सामान्य बनाने में किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्राइड। निम्नलिखित में कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका देखते हैं, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोजन सही है, क्लोरीन का विघटन यह भी सही है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सही है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी कथन सही दिया गया है। निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क है, इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? कायरोलाइट, जो एल्युमिनियम का अयस्क है। मानव शरीर में विल्सन रोग होता है, किसके कारण? जो तांबा की मात्रा वृद्धि होने के कारण। हड्डियों, अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव होता है, जो कैल्शियम का होता है। अंडे का छिलका होता है या हड्डी मानव का होता है या कैल्शियम होता है, या शंख देखते हैं उजला होता है या। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग जो देख लेते हैं, जो इसका दर्पण लगाया है इसका उल्टा क्या होगा?
तो सीधे इसके प्लाट देते हैं, जो यह बिंदु दिखेगा यह पहले होगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा। इसको इस फिगर को ऊपर रखिएगा, आपका ऑप्शन 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो डीजल शक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन को डीजल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया है, जो आपका ऑप्शन जो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, जो गुलमर्ग में हुआ है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थी को सत्यापन किया गया है, तो आपका ऑप्शन ये होगा जो 22 करोड़ का। शक्ति शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है, शांति के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, नरगिस मोह। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली का तरल क्रिमिनल नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो आपका ऑप्शन बी होगा जो सिंगर और निकोलस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी होगा जो किडनी है। जो अवशेषी अंग मानव शरीर में 100 पाए जाते हैं। डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला कवक कौन सा है, डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कवक कौन सा है, जो आपका ऑप्शन बी होगा जो साइक्रोमोसाइज है। यहीं पर देख लेते हैं, ये टाइकोफाइटा लेकोसोम जो यह दमा रोग में होता है, कैप्टिस जो बाल झड़ना या गंजापन रोग हो जाता है, बाल झड़ने लगता है कैपिटिस के कारण, फ्यूमिगेट्स जो यह दमा रोग होता है। निषेचन की क्रिया होती है किसमें, अंडा वाहिनी में होता है, अंडाशय में नहीं अंडा वाहिनी में होता है निषेचन की क्रिया। अनानास खाने योग्य भाग्य कौन सा होता है, अनानास का खाने योग्य भाग्य कौन सा होता है, तो आपका ऑप्शन ए होगा जो परिदल पुंज होता है, परिदल पुंज होता है। निम्न में से किसे मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन सी जिंगो बाइलोआ, जिंगो बाइलोआ को कहा जाता है। बौने ग्रह को, बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो बौना छोटा पौधा होता है उसके लंबा करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा जो साइटोकाइनिया, साइटोकाइनिया का प्रयोग किया जाता है। CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है किसमें, रोग के प्रतिरोध क्षमता का आकलन करने में। निम्न में किसके कारण अस्थि कैंसर होता है, अस्थि कैंसर किसके कारण होता है, जो कोबाल्ट 90 के अस्ट्राइसियम 90 के कारण। किसने यूरेनियम की तुलना मधुमक्खियों से की है, किसने यूरोपियों की तुलना जो मधुमक्खियों से की है, और कहा है कि यदि न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी किंतु छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेगी, किसने, तो आपका ऑप्शन ये होगा जो अली वर्दी खान ने कहे थे कि अगर यूरोपियों को तुलना मधुमक्खी से किए हैं, जो ना छेड़ोगे तो शहद जैसे मीठे मिठास आपकी सेवा करेगी, अगर उसको छेड़ोगे काट काट कर मार डालेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु के चेचक के कारण मृत्यु हो गया था, जो सिख गुरु का चेचक कारण मृत्यु, जो गुरु हरि किशन का मृत्यु हो गया था। समाध्य और कमुदी का प्रकाशन किया गया था किस भाषा में, तो बंगला भाषा में। क्रांतिकारी समयवाद दल का गठन किसने किया था, जो पीसी जोश ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिप्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था, तो आपका ऑप्शन बी होगा जो दिल्ली में। पेरिस का संधि कब हुआ था, जो 3 सितंबर 1783 को हुआ था, 83 को। हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र स्टेडियम कहाँ मिला है, जो धौला
बीरा में मिला है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो धौला बीरा में मिला है। गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिन्हें चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। निम्न में से कौन सा सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे, तो आपका ऑप्शन ए होगा जो शेख शिहाबुद्दीन। शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी होगा सौर्य नौबत। मगध सम्राट बिम्बिसार शरणीय क्यों कहा जाता है, जो अस्थाई सेना बनाए रखी। किस क्रांतिकारी का त्रिहुत संयंत्र मुकदमा चलाया गया था, किस क्रांतिकारी पर त्रिहुत संयंत्र मुकदमा चलाया गया था, तो आपका ऑप्शन बी होगा जो योगेंद्र शुक्ल। दिए गए चार उत्तर आकृति में कौन सी दिए गए आकृति का सही प्रतिबिंब, जबकि दर्पण एमएन में स्थित है, तो यह फिगर दिया गया है इसका सीधे उल्टा, तो इसको पलट देना है मुंह ऊपर, तो आपका ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने जो उस उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे, तो आपका ऑप्शन 13 दिसंबर 1946 को। निम्न में से किस वाद में प्रस्ताव के विषय में यह कहा गया कि संविधान के मूल आत्मा और शाश्वत अपरिवर्तित है, जो आपका ऑप्शन बी होगा जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में कहा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के आदेश है कि वह पूर्णतः राज्य निधि पोषक जनता के लिए कुआओं तालाब सार्वजनिक संघ आदि संस्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो यह अनुच्छेद 15 के क्लाउज 2 में कहा गया है, 15 के क्लाउज 2 आपका ऑप्शन डी होगा। मादक पेयों एवं हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, जो अनुच्छेद 47। बिहार में शराबबंदी है जो अनुच्छेद 47 के कारण ही है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है, जो आपका ऑप्शन बी होगा जो वित्त आयोग के द्वारा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान जो वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। किस वर्ष भारतीय वन सेवा का तीसरे अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था, तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 1966 में बनाया गया था। 1966 में भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है, जो भाग 20 में। अनुच्छेद 243 के घ में पंचायतों के आरक्षण संबंधित निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान गलत दिया गया है, जो पिछड़े वर्गों का आरक्षण का फैसला संसद का स्वीक पर, आपका ऑप्शन बी होगा। प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 1998 में किया गया था, तीन राज्यों में जो राजस्थान दिल्ली और मध्य प्रदेश में किया गया था। ईवीएम का प्रथम बार 1998 में तीन राज्य राजस्थान दिल्ली और मध्य प्रदेश में। शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो ऑप्शन सी होगा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है सरकारी स्कूलों, देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा को छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूपों में चलता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी जो प्रोटॉन। ध्वनि की तीव्रता का एसआईक मात्रक वाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब दो विभिन्न धातुओं के तारों को सिरे को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा जो सिविक प्रभाव कहा जाता है, सिविक प्रभाव। प्रत्येक पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है क्यों, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है, इसका क्या कारण है,
तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पृथ्वी के कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है। क्षारीय संचायक सेल में उपस्थित होता है, क्षारीय संचायक सेल में उपस्थित क्या होता है, तो जो कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल होता है, कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल होने के कारण विद्युत घंटी डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबकीय बनाया जाता है। किसे? विद्युत घंटी डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबकीय बनाया जाता है जो नरम लोहे के साथ। अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान करें, अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान करना है, आपका ऑप्शन ए होगा, जो रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। वर्ष 1904 में ग्रहण परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो चैबरिल और माल्टन द्वारा। एल्ब्रुज और जैग्रुस पर्वत के बीच स्थित पर्वतीय पठार कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो ईरान का पठार है। एडम स्मिथ के किताब द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के किताब द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित किया गया था, 1776 में। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था, जो कार्ल मार्क्स ने दिए थे, कार्ल मार्क्स ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय लेखन लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, जो साइमन कुजनेट्स को। किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। भोजन काम उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना। मूल्यवर्धनी कर वैट सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया है, जो उत्तर प्रदेश यूपी में। जीएसटी परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए, जो 50%। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। जो मैथ का क्वेश्चन है या डिस्कशन में जो पीडीएफ के अंत में डिस्कशन दिया गया है, उसमें सोल्यूशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, या इस वीडियो के डिस्कशन में जो डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक दिया गया है या टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर जो मैथ का सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार स्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में 200 के प्रथम स्थान कौन सा है, जो चीन है। देहरादून और हरिद्वार स्थित है, देहरादून और हरिद्वार किसे स्थित है, जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। भारत में ग्रीष्म ऋतु का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो बीकानेर। असत्य मिलानों का चयन करते हैं, जो असत्य मिलान का चयन, जो तत्ता पानी जो छत्तीसगढ़ सही है, तप्त पानी जो उड़ीसा है, तपोवन जो बिहार नहीं उत्तराखंड है, अनहोत्री जो मध्य प्रदेश में, आपका ऑप्शन सी गलत दिया गया है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, जो इंद्रावती नदी पर है। कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 1784 वर्ग किलोमीटर में है। कैमूर का पठार जो 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार की कौन सी नदी करनाली और शिखा के नाम से जानी जाती है, जो घाघरा नदी। मैं निर्भरी दुख की बदली, मैं निर्भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति के किस कावित्री की है, जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो महादेवी वर्मा की है। किस नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है, ऑप्शन सी, जो नागार्जुन को। उसकी माता जी बीमार है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, जो अन्य पुरुषवाचक।
अपने आप यह काम सीख लूंगा। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम क्या है? जो आप है, आपका ऑप्शन बी होगा। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? जो दो, सक्रमक और आक्रमक क्रिया होते हैं। सजा एक सा रहना भवार्थ के लिए उपयुक्त तो लोकित है। किसे? ढाक के तीन पाद। कमायानी की रचयिता जो जयशंकर प्रसाद है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां हैं? जो वर्तनीय संबंधित है। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? जो माल एक शब्द में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन का चयन करते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार जो असत्य कथन का चयन करते हैं, जो परमाणु के अंदर अधिकांश भाग भरा होता है, नहीं, आपका ऑप्शन बी गलत है। रेडियो सक्रियता पदार्थ का अर्ध आयु का संबंध सत्य कथन देखते हैं, जो हमेशा एक समान रहता है, सही है। यह पदार्थ द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सही है। अर्ध आयु जो इसका 0.69693/λ होता है, सही है, आपका ऑप्शन डी होगा। जो उपयोग सभी कथन सही दिया गया है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम जो फैराडे ने दिए थे। सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ जो फ्लोरीन होता है। फ्लेक्स ब्लो में नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में किस धातु का तार रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन मैग्नीशियम होगा। भिस्की बनाने में निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? जो भिस्की पीते हैं, जो ब्लू आइस कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, जो आपका ऑप्शन CX H2O Y। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूपों में जाना जाता है। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूपों में किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सिटी डीजल को। शहद की मक्खी के मोम का मुख्य रूप रखता है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। मिरीसिल पॉलीटेट RDX का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने का सोमनाथ इसरो का अध्यक्ष के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो मोहन कुमार ने। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप के प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जो ऑपरेशन दोस्त। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऋतुराज अवस्थी। मार्च चावल किस राज्य का उत्पादन है जिसका GI टैग प्राप्त किया गया है? जो बिहार का है। जैसे दिखा रहे हैं डिस्कशन, आप कितना बेहतरीन डिस्कशन दिया गया है, इसका आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कशन के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी डिस्कशन, हर क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा है। आप आइए, हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ के थ्रू पर करा रहे हैं। इसका PDF डाउनलोड कर आप विस्तार रूप से अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्कशन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप या PDF का, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है? इनमें से द्विपरमाणुक कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो फास्फोरस है यह द्विपरमाणुक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस में DNA पाया जाता है? जो आपका ऑप्शन देखते हैं, जो माइटोकेंद्रक में भी पाया जाता है, प्लेटिन माइट्रोकांडिया, आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी में DNA पाया जाता है। अवकरण की प्रतिक्रिया होती है किस में होती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कैथोड में होती है। खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? जो प्रोटीन की उपस्थिति को, जो बैंगनी रंग दर्शाता है। पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्रण धातु है? पीतल होता है, इसमें किसका मिश्रण धातु होता है? जो कॉपर का 70% जिंक 30%। ट्राइटियम की अर्धायु क्या होती है? जो 12.5 वर्ष होती है। परिशोधित स्प्रिट बेंजीन और पेट्रोल के मिश्रण को कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो शक्ति अल्कोहल कहा जाता है। शक्ति परिशोधित स्प्रिट बेंजीन और पेट्रोल के मिश्रण को जो शक्ति अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो हट निम्नलिखित कथन का चयन करते हैं, व्यापारिक का नाम बताएंगे और सूत्र, उनका सूत्र देखेंगे। जो आपका ऑप्शन इसमें बी है, सोडा एस है, जो Na2SO3 नहीं SO3 होगा, फोर नहीं Na SO4 नहीं Na2SO3 होगा। यह आपका ऑप्शन गलत दिया गया है। बी, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिजल्यूशन में भाग लिया था कब? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 1893 में। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था? जो अहमदाबाद नगर पोर्ट जेल में रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार के निर्णय लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो M.A. अंसारी ने किए थे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 17 अक्टूबर 1940 को। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहले सत्याग्रह कब बने थे? 17 अक्टूबर 1940 को। वहीं दूसरे सत्याग्रह का जो अध्यक्ष बने थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा सत्याग्रह हुआ था उसका बराह दत्ते ने अध्यक्षता किए थे। प्रथम का विनोबा भावे। आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? जो आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक में क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो कुभा। जैन ग्रंथ परिषद परवन का रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हेमचंद्र। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत के लेखक फ्रांसीसी वर्नियर पेशे से था, किस पेशा से था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो एक फ्रेंच डॉक्टर थे। लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो फैजी ने किया था। बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सी बौद्ध संगीति का प्रतिपादन हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो प्राप्तित संपुता। बिहार के प्रशासन बंगालियों के वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणी हुआ करता था? बिहार टाइम्स। जब फ्रांस छींकती है तो बाकी यूरोप में सर्दी एवं जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, स्वरिसी, जो मेटरनिख का है। काल मार्क्स किसके विचारों का प्रभावित करता है? जो हीगेल को। गिरना तथा अरुणवर्ती नदी किसकी सहायक नदी है? जो ताप्ती का सहायक नदी है। गिरना और अरुणता। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की जलवायु प्रकार है, जो एस प्रकार की है। पौधों के लिए द्वितीय पोषक तत्वों में शामिल नहीं है। पौधों के लिए द्वितीय पोषक तत्वों में शामिल कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो फास्फोरस शामिल नहीं है, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के टेनिस नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है? भारत में बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग प्रॉपर्टीज के विस्तार का अंतर्गत आता है? तो आपका बी होगा, केवल 1%।
निम्न में से कौन सा थोरियम का अयस्क नहीं है? इनमें से कौन थोरियम का अयस्क नहीं दिया गया है? जबकि थोरियानाइट, अलानाइट, मोनोजाइट यह थोरियम का अयस्क है, जबकि यूरेनिनाइट यह नहीं है। आपका ऑप्शन डी। जनाकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, एफ डब्ल्यू नॉर्टेस्टेन डब्ल्यू एस थॉम्सन ने के द्वारा किया गया था। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है किसके द्वारा? जो ग्रेट चैनल के द्वारा, ग्रेट चैनल के द्वारा इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, सी डब्ल्यू जी। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में कोसी नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में सिविल सेवाओं को भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो 1926 में किया गया था। पुंछी आयोग का संबंध किससे है? जो केंद्र एवं राज्यों के संबंध से है, केंद्र एवं राज्यों के संबंध। प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर, जो प्रेस की स्वतंत्रता है कुछ भी बोल सकते हैं, वह व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के आधार पर। भारतीय न्यायिक व्यवस्थाओं में जब जनहित याचिका पीएल को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो पीएन भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था? तो आपका अनुच्छेद 43 का क्लाउज बी में। भारतीय संविधान में अध्यादेश के प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो भारत शासन अधिनियम 1935 ले लिया गया है। भारतीय संविधान में अध्यादेश की प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो भारत शासन अधिनियम 1935 ले लिया गया है। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो शिलोंग में है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार को निलंबन में संबंधित है? जो अनुच्छेद 358 जो 7वें संविधान संशोधन करके 7वां भाग को निरस्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में किसने राष्ट्रपति शासन 396 को मृत पत्र की संज्ञा दिया है? जो डॉक्टर अम्बेडकर ने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 1993 में, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जिस किसी व्यक्ति को कुछ विशेष मामले में दोषी करार दिया गया हो तो उस उम्मीदवार को नहीं बना सकते हैं? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो धारा 8 के क्लाउज क में। बातों की जलेबी छनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बातों का जलेबी छनना, जो गप सप में आनंद लेते हैं वह अधिक बात अपने पुलाव पकाते हैं। मैंने यह कुर्सी सौ रुपये की खरीदी है, वाक्य में दोष क्या है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो विसर्ग। ऑप्शन सी होगा, जो प्रसर्ग है। अर्थार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? जो काल्पनिक होगा। अर्थार्थ का विलोम शब्द काल्पनिक। निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो कुंजर होगा। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो अभी उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो अभी। छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया रेखांकित वाक्य है? जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। पंचतंत्र में समास कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो द्विगुण समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना स्कोर कमेंट में कीजिएगा, कितना स्कोर किस सेट में आ रहा है। जो पर्यावरण में कौन सी संधि है?
पर्यावरण में कौन सी संधि है, जो यण संधि है। यह आपका इंग्लिश का क्वेश्चन जो डिस्कशन में देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन डिस्कशन में जो सोल्यूशन के साथ दिया गया है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ब्रासिका कैपिस्ट्रॉक। सही मेल का चयन करें, इनमें सही मेल किसका है, तो आपका ऑप्शन ए जो सुजाका जो नाइसेरिया गोरिये। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास का क्या कहते हैं, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सेक्सिकोल कहा जाता है, सेक्सिकोल। घटपर्णी निम्नलिखित में भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो आपका ऑप्शन पता में होता है। स्ट्रिप कॉफ परीक्षण किस रोग से संबंधित है, आपका ऑप्शन सी होगा, जो थाइनेला। निम्नलिखित में कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है, इनमें से कौन सी, तो देखते हैं, जो पादप में एक बड़ी रसधानी होती है जो कुल कोशिकाओं के आयतन का 90% घेरे सकती है, सही है। अमीबा में रसधानी का पोषक की भूमिका होती है, सही है। वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीता एवं दृढ़ता प्रदान करती है, सही है। जंतु कोशिका में रसधानी नहीं होती, आपका ऑप्शन डी गलत दिया गया है, डी में जो जंतु कोशिकाओं में रसधानी होती है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, जो जहर का अध्ययन है, जहर का अध्ययन को कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने लाइक यूज लाइक होम्योपैथियो सिद्धांत का प्रस्तुत किया था, किसने लाइक यूज लाइक होम्योपैथियो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सैमुअल हैनीमैन ने। भारत में ईख कितने माह में तैयार होता है, जो 12 माह में ईख तैयार होता है। मैथ का क्वेश्चन आप पीडीएफ डाउनलोड कर उसका डिस्कशन में देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन के साथ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अगर अपना स्कोर बताइएगा कमेंट में कीजिएगा, कितना स्कोर आ रहा है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला गौरव किसे प्राप्त हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो आर के सेठी को। 7 सरकारी 4 गैर सरकारी कर्मचारियों के समूह में 3 को लेकर एक समिति बनाती है, उन समूहों में सहकारी कर्मचारियों नहीं होने की प्रायिकता, जो मैथ का क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन इसका बी होगा, जो सोल्यूशन दिया गया है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो ई एफ सुमाकर। नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जो फिशर ने किए थे। मीठा सेठ समिति का संबंध किससे है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो हथकरंधा के विकास। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत कब किया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था, आपका ऑप्शन ए होगा, जो 1998 में किया गया था। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, जो हैदराबाद में है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, आपका ऑप्शन डी। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सोमपाल। जब प्रकाश में लाल हरा नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणाम स्वरूप कौन सा रंग प्राप्त होता है, जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सफ़ेद। समुद्र में पलायन करते समय आइसबर्ग कितना भाग समुद्र के सतह से नीचे रहता है, जो 9/10 होता है। जड़त्व आघूर्ण का कोणीय गुणत्व गुणनफल होता है किसके बराबर, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो टार्क के। पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही जो पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, जो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो आपका केवल सोहन।
इसका उल्टा दर्पण में सीधे उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा सीधे आपका ऑप्शन सी होगा, इसका चार होगा। यह क्वेश्चन 95 का ऑप्शन डी होगा। हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? हर घर सोलर योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। मेरा लाइफ एप्स किसके द्वारा जारी किया गया है? मेरा लाइफ जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य योजना ने शुरुआत किया है? जो इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो राजस्थान। निम्नलिखित में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया गया है? जो अमेरिका। IMT ट्रेलर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो भारत शामिल नहीं है। जय हिंद जय भारत। अपना स्कोर कमेंट में कीजिएगा।